हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। और आज हम बात करेंगे जो कि हमारी लाइफ्स आजकल वैसे ही कोरोना ग्रस्त है। इट्स अ टर्म दैट आई इन्वेंटेड के कोरोना में लोग ऑलरेडी इतने डिप्रेस्ड हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ऊपर से इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है और इतना कुछ सुनने को मिल रहा है कि हम नेचुरली हम बहुत इजीली एक टर्म यूज करते हैं अपनी लाइफ में विच इज डिप्रेशन, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है और इतना गहरा मतलब होता है कि लोग अपनी जान ले लेते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो उस चीज को झेल नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से बाहर आने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी जान ले लें और तभी हम, जिसे बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, तो तभी हम एक्चुअली पीस हमारी लाइफ में ला पाएंगे। सो आज हम इस बारे में बात करेंगे और आज हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो हमारे दिमाग की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें काम एंड क्वाइट रहना है, हमें हंसते रहना है, हमें खुश रहना है एट द एंड। आई अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ अब क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली हर एक इंसान अपनी लाइफ में प्लानिंग करता है और प्लान्स के अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करने की कोशिश करता है, बट देयर इज अ टाइम, जब मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था दैट देयर इज अ टाइम जब हमारे प्लान्स वर्कआउट नहीं होते, सो एट दैट टाइम वी शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। हमें हमेशा उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कल को कुछ और होगा, वो नहीं हुआ तो कुछ और होगा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। दैट इज द की फॉर अ हेल्दी लाइफ। और आज हम इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मानसी वछानी जी, जो कि पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं कई बार, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। जब भी आती हैं एक बहुत अच्छा एटमोस्फियर क्रिएट करती हैं और आज वो बात करेंगी इस टॉपिक पे मुझसे। सो हाय मानसी, हाउ आर यू टुडे? I'm good Neha, how are you? I'm good, thank you for coming on the show again, it's always a pleasure to have you. It's a pleasure indeed, thank you so much. हां जी मानसी, तो आजकल वैसे ही इतना कोरोना कोरोना चल रहा है, कोरोना का रोना चल रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं एक्चुअली। तो आपको कभी ऐसा फीलिंग आई कि यार बस बहुत हो गया, मैं ये सब झेल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हमारे पेरेंट्स ट्रैप्ड हैं दिल्ली में, इंडिया में, तो दिल्ली मुंबई तो बिल्कुल एपिसेंटर बना हुआ है। सो आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं इतना टेंशन स्ट्रेस नहीं ले पा रही हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा, आई शुड जस्ट बी आई शुड जस्ट क्विट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग मैं कहूंगी 1% की भी नहीं आई। जैसे मैं अपने कुछ एपिसोड्स में आई थी लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किए थे, मैंने उसमें भी यही बताया कि अगर आप अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, कंप्लीटली ले ले, जैसे आप हर चीज का कंट्रोल लेते हैं, तो आपको ये सारी फीलिंग्स नहीं आएगी। और जिस तरह की सिचुएशंस में हम हैं आजकल, उसमें हम यही लैक कर रहे हैं, हमने अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दिया है और सारे के सारे हम सारे लोग यही सोचते हैं, अच्छा ये बंदा ऐसा कर रहा है, उसके पास इतना है, मेरे पास वो नहीं है, फिर ऊपर से सोसाइटी की जजमेंट्स हो जाती हैं, आपके कुछ फेलियर्स हो जाते हैं, कुछ रिजेक्शंस हो जाते हैं, बट हम उस चीज को बेसिकली एक्सेप्टेंस की कमी है सोसाइटी में और कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, जो है वो सबके लिए है। एंड मैं ये कहूंगी कि अगर इंडिया में भी होता या दिल्ली में भी होता तो भी चलो समझने वाली बात है कि अच्छा हमारे साथ ही क्यों, लेकिन ये पैंडेमिक ऐसा है जो पूरे ग्लोब में है, तो ये सिर्फ एक जने के लिए या कुछ 10 जनों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो मेरे को ऐसा एक बारी भी फील नहीं हुआ, रादर जैसे कहते हैं कि चीजें जैसी आ रही है मैं उसको वैसे ही वेलकम कर रही हूँ, शांति से, करेज के साथ, पेशेंस के साथ। एंड मुझे ये पता है कि जो आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मेरा रिस्पॉन्स होगा और जो उसको मैं बनाऊंगी वो मेरे कंट्रोल में है। Absolutely, that is so true. But actually, मैं अगर मैं honestly बोलूं तो
क्विट करने वाली फीलिंग तो नहीं, लेकिन स्ट्रेस तो बहुत है. ये जो अभी इस टाइम पे जो सोसाइटी में हो रहा है, हम जिन लोगों को जानते हैं, अफकोर्स हम पर्सनली नहीं जानते, लेकिन वो पब्लिक फिगर्स, अभी सेलिब्रिटी, अभी जैसे सुशांत सिंह अगर रिसेंटली मैं बात करूं, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. तो ये सब सुन के ना और दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि सोचिए वो कोरोना का जो इतना आउटबर्स्ट हुआ है वो उस टाइम पे गए, लेकिन वो कोरोना से नहीं गए, और अपनी जिंदगी खत्म करने का जो फैसला है वो ही कितना मुश्किल है. मतलब मैं तो एक फ्लू शॉट से लिटरली डरती हूँ. अगर मुझे पता होता ना मुझे कल इंजेक्शन लगना है, मुझे रात में नींद नहीं आती है. बिल्कुल, बहुत मुश्किल समय आने वाला है. सो आई थिंक ये एक बैलेंस मेंटेन करना या बनाना हमारी लाइफ में, हमारे थॉट्स और हमारी हैप्पीनेस के बीच में, वो आज की डेट में आई थिंक इट्स एट द पीक. हमारे अंदर वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. और आई थिंक आज का जो एपिसोड है हमारा उसी बात पे है. और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बातों से, अगर कोई किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात करनी है या कुछ भी इश्यू है, तो हमारी बात सुन के शायद उनको अच्छा लगे. क्यों मानसी, यू अग्री? ओके, सो हम दोबारा, अभी तो हम एक गाने का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के. और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा, और हम सुन रहे हैं मानसी और नेहा की बातें. कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. हार ना
रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो आज एक्चुअली नेहा की बातें नहीं हो रही है, आज मानसी की बातें भी हो रही है साथ में। तो हम दोनों जो लोग हैं, हम दोनों लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं आज के एपिसोड में। और आज हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो रेडियो सुन रहा है, जो दुखी रहे। सबको, सब लोगों को खुश होना है, और उस खुशी को दिलाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मानसी जी। तो मानसी जी, आप बताइए, आप इस बारे में पहले आप शुरुआत कीजिए, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करते हैं हम। आप ये सोचिए, हमारे पूरे संसार में हर रोज हमें सुनने में आता है, पूरे पूरे साल कम से कम 800,000 लोग पीपल सुसाइड कमिट करते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एवरी 40 सेकेंड वन पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड, विच इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड। एंड ये एक ऐसा, और इसके बहुत एस्पेक्ट्स हैं, सुसाइड करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट मैं कहूंगी कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज नॉट प्रेजेंट। अभी इस वक्त क्या हो गया है कि लोगों ने अपनी लाइफ को एक कोलाज बना लिया है, और वो कोलाज किस चीज का है? मनी, सक्सेस, फेम, नेम, वेल्थ, स्टेटस, और उस उन्होंने कुछ कुछ पीसेस लाके, जैसे हम कोलाज बनाते थे स्कूल में, तो कुछ कुछ पीसेस को लाके हम उसको पेस्ट कर देते थे। अब अगर एक तरफ का पेस्ट हट जाए या एक तरफ की पिक्चर निकल जाए तो वो कोलाज खराब हो जाता था, और वहां पे लोग कोलैप्स कर। तो इस वक्त पे यही हो रहा है कि लोगों ने अपनी लाइफ को लाइफ नहीं समझ रखा है, उन्होंने अपनी लाइफ को एक कोलाज बना लिया है। और ये किसकी वजह से? क्योंकि एक सोसाइटी स्टिग्मा है, लोगों के पास प्रेशर्स हैं, कंपैरिजंस हैं, और अगर सोसाइटी और एक कोलाज का पार्ट में अगर आग लग जाए या उसका कोई एक पार्ट खराब हो जाए तो लोग कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि डिप्रेशन कैसे आता है, क्योंकि अगर आप किसी को ये कहो ना कि आज मुझे डिप्रेशन और मैंने कल अपने आप को कोलैप्स कर लिया या मैंने अपने आप को मार डाला, तो इसकी कोई सेंस नहीं है। डिप्रेशन इज अ वेरी ह्यूज वर्ड, एंड विच इज वाई जैसे बहुत इस दौरान, जैसे कोरोना वायरस के दौरान मुझे बहुत कॉल्स आई हैं, बहुत मैसेजेस आए हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ये बोलो कि मुझे टेंशन हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। आप बोलो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। डिप्रेशन एक बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, एक क्लिनिकल वर्ड है, और जब तक आपको डॉक्टर नहीं कंफर्म कर देता या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कंफर्म कर देता कि आपको डिप्रेशन है, तो प्लीज अपने लिए वर्ड यूज ना करें। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना मैं कहीं साइकेट्रिस्ट हूं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साइंस मैं इसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, मुझे कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं पता, मुझे साइंटिफिकली ये क्या होता है नहीं पता, लेकिन साइंटिफिकली और जो बुकिश लैंग्वेज और जो डॉक्टर्स भी बताते हैं, वो हमारे सिर्फ अंदर की मेडिकल ट्रीटमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मेंटली फिर भी हमें अपने आप ही उसका ग्रिस्प लेना पड़ेगा, हमें अपने आप ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि ये स्टेट ऑफ माइंड है क्या। इसमें ये होता है जब आपका माइंड अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देता है, और हम अपने आप इस चीज का कंट्रोल छोड़ देते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, अभी कैसे होगा, पता नहीं हमें ना हो जाए, ये सब एक स्ट्रेस का लेवल है। सो ये सारी एक चेन इंटरलिंक्ड है। अब ये चेन की अगर मैं बात करूं तो हम एक थॉट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप अपनी फैमिली से दूर है, तो आपको ऑब्वियसली फीलिंग्स तो आई होंगी। आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं कि आप अपनी फैमिली से दूर हो? या मुझे जो लगता है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे काफी कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंडिया में और स्पेशली मुंबई और दिल्ली में तो बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। तो अब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज भी रीजनेबल हो गई है, मतलब काफी जो एज रिस्की है वो उस एज के पैरामीटर में आते हैं, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हाँ वो बाहर नहीं जा रहे, उनको बाहर जाना ही पड़ रहा है किसी ना किसी काम से, बीइंग इट लाइक दूध लाना, लाइक सच अ स्मॉल थिंग, पर आपको बाहर जाना पड़ेगा। सो अंदर से ना एक, आई वुडंट कॉल इट डिप्रेशन टू बी ऑनेस्ट, पर एक अंदर से स्ट्रेस बना रहता है, एक टेंशन लगी रहती है टू बी ऑनेस्ट, कि यार बाहर भी जा रहे हैं और इतने लोग हैं जो कि, एंड इट इज नॉट समथिंग लाइक अ प्लास्टर होता है, किसी के फ्रैक्चर होता है वो दिख जाता है, अगर किसी को सपोजिंगली किसी को कोई और प्रॉब्लम है वो दिख जाती है, ये ऐसी प्रॉब्लम है आपको दिखती नहीं है। तो इट इज वेरी वेरी
हाउ डू आई से, मतलब मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं आरजे हूँ, बट मुझे भी वो एक फीलिंग आती है, वो स्ट्रेस लेवल होता है कि यार पेरेंट्स और जितने भी लोग जिनको मैं जानती हूँ दे शुड बी सेफ. अब मैं उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं उन्हें कहूँ आप घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए, दैट वुड नॉट बी करेक्ट. बट बस एक वही फीलिंग होती है कि आपको टेंशन बैक ऑफ द माइंड, आप कुछ भी करते हो ना वो एक दिमाग में लगा रहता है कि दे शुड बी फाइन. एंड बिकॉज अभी अगर कुछ हो जाता है तो हमको पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा, बाई चांस वो बीमार हो जाते हैं. सो बस एक वही चीज है जो मुझे परेशान कर रही है. तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ नेहा जी, जैसे कि आप जो सोच रहे हो आपका सोचना बहुत स्वाभाविक है. ये फीलिंग ऐसी है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके लोग हैं, चाहे आप उनको जानते हो नहीं जानते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुशांत की जब डेथ हुई, पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में या पूरे मैं कहूंगी पूरे दिल्ली में, इंडिया में पूरा बहुत माहौल खराब हो गया क्योंकि वो एक बहुत छोटा बच्चा था, 34 इयर्स की एज में वो चला गया. लेकिन उसमें मैं आपको ये कहना, अब आपको पीछे रियलाइज होता है कि अच्छा ये हो रहा है. अब आप उसको लेके अगर पूरे दिन के लिए बैठ जाओ तो आप वहां पे ओवर थिंकिंग शुरू कर दोगे. आप ओवर थिंकिंग शुरू करोगे तो वो स्ट्रेस बनेगा, स्ट्रेस के बाद आपको वो एंजाइटी देगा और फिर वो जाके फाइनली डिप्रेशन में कंफर्म हो जाएगा. हमें वो ओवर थिंकिंग को ही आगे नहीं बढ़ने देना है. जिस तरह की आप कह रहे हैं कि आपको भी टेंशन होती है और हमारे पास तो फिर भी रीजन है क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, घरों में जो लोग बैठे हैं उनके पास अपने रीजंस हैं, लेकिन हमारा जो रीजन है हम वहां पहुंच नहीं सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते. तो डिप्रेशन की वजह यही होती है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होता है जिसको हम बिल्कुल क्लिंच करके बैठ जाते हैं. सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि पास्ट में कुछ ऐसा होता है उसको वी आर जस्ट क्लिंजिंग ऑन इट, वी कांट जस्ट लीव इट देयर. हम उसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते, उसके ऊपर ही थिंक कर रहे हैं, उसके ऊपर ही पॉन्डर करते चले जा रहे हैं बिकॉज हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए. अच्छा, दूसरा क्या होता है, हमारे हिसाब से वो नहीं हुआ तो इसलिए हमने उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया. अब हम उसकी गिल्ट में जा रहे हैं कि अच्छा हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह से हम फिर वापस से सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. नाउ प्रॉबेबली दैट्स द रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस विच विल डेफिनेटली लीड टू एंजाइटी एंड अल्टीमेटली सो मच ऑफ स्ट्रेस विल लीड टू डिप्रेशन. So this is what is needed. हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे कंट्रोल में हो और एक्सेप्टेंस लेवल हम बढ़ा सके अपनी. आई थिंक वॉट यू आर सेइंग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. एंड शायद आज अगर इतना स्ट्रेस लेवल हाई और टेंशन इतनी होने की वजह से भी आई एम अप एंड रनिंग, सो दैट इज जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ओवर थिंकिंग इट. लाइक I'm thinking but not overthinking. I'd keep myself involved in something or the other and right. Uske wajah se hi I am normal to be very honest. Otherwise jitna zyada outbreak chal raha hai aur India mein jitni buri halat chal rahi hai it is very very scary. Right. But we're going to hold that thought and we will discuss about it more but after right after this song. Aur guys aaj ke episode mein jitne bhi gaane hain wo Manasee ji ke khud ke pasand ke hain, so aap aaj unki pasand ke motivational songs sunenge. So kahin mat jaiye, stay tuned, bane rahiye aur lage rahiye aur sunte rahiye Radio Manpasand 24/7 Tadka Laga Ke. Aur main hu Neha aur hum kar rahe hain Manasee se baatein. जिंदगी की यही
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी एक पल दर्द का गांव है दूसरा सुख भरी छांव है हर नए पल नया गीत है जिंदगी की यही रीत है जिंदगी की यही रीत है जिंदगी की यही रीत है मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं नेहा और हम कर रहे हैं इन्फोमेनियक नेहा के शो में मानसी से बातें। तो मानसी जी, हम आज हेल्थ के मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं और काफी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है मां से। इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रही हैं हमें और काफी मोटिवेशनल बातें कर रही हैं। इट इज रियली रियली कमेंडेबल, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे भी बताया जो बात आपकी सही है, और मुझे लगता है शायद थोड़े सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं। जब ऐसा पता चला कि एक्चुअली उन्होंने सुसाइड किया है, तो मेरा दिमाग से भी निकला था कि कोई भी टेंशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप अपनी जान ले लें। इनफैक्ट स्मृति ईरानी जी जो है, मैंने अपने पिछले शो में भी मेंशन किया था, उन्होंने एक स्टेटस डाला था कि हमें रोना अलाउड है, हमें चीखना चिल्लाना अलाउड है, लेकिन हमें अपनी जान लेना अलाउड नहीं है। मतलब उस चीज को हमें याद रखना है कि हम इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी जान जाए। सो आप ये सोचिए कि ये पहली बात तो ये जिंदगी आपको आपने नहीं दी है, या तो आपको ये जिंदगी आपके पेरेंट्स ने दी है, या फिर आपको भगवान की है, भगवान का डिसीजन था कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बनाकर इस जिंदगी में लाना है। वो आपको प्लांट बना सकते थे, एनिमल बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन अगर आपको ये जिंदगी आपने खुद ने नहीं दी है, तो आपको ये कोई हक नहीं देता कि आप अपनी जिंदगी अपने आप से खुद छीने। That is very, very true. That is true. We are the privileged ones. हमको बहुत privilege दी गई है कि हमें इंसान एक मनुष्य बनाया गया है और हमारे साथ में कुछ responsibilities हैं जिनको अभी मुझे actually बहुत अजीब लगेगा सुनने में, but मुझे actually ऐसा लग रहा है कि यार
जाना ऑप्शन नहीं है. आप किसी से भी बात करो, आप मुझसे बात करो, आप किसी थर्ड पर्सन से बात करो, आप किसी ऐसे इंसान से बात करो शायद जो आपको जानता भी नहीं है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे जानता नहीं है. उसको मेरे बारे में अगर ओपिनियन क्रिएट भी करना है तो कर लेगा, बट आपके अंदर से जब वो चीजें बाहर निकलेंगी ना, तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज बात, जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, बात करने से ही बात बनती है. और जिंदगी ले लेना कहीं का कोई, आई डोंट थिंक इट इज नॉट जस्टिफाइड वट एवर इट इज. और exactly. जैसे कि आपने बताया कि ओवरथिंकिंग कम करनी चाहिए, और क्या क्या हो सकता है? अब मैं जैसे कि परसों की ही बात है, किसी ने मुझे फोन करके बोला कि हमारी लाइफ में उस टाइम पे वो हुआ था. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो पास्ट है हम उसको क्यों नहीं छोड़ सकते? ऐसा क्या है उस पास्ट के अंदर? पहले आप मुझे कहते हैं कि आपकी लाइफ में उस टाइम वो हुआ था और उसके वजह से आप परेशान हैं, उसके वजह से आप दुखी हैं, उसके वजह से आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो फिर तो आपके पास सारे जायज रीजन हैं उसको छोड़ने के. फिर आप उसको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसा क्या है उसके अंदर? या तो कुछ भी अच्छाई होती तो आप उसको बैठे रहिए लेकर, आपको वो आगे मदद करेगा, ग्रो करने में मदद करेगा, तो भी बैठे रहिए. तो मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि जो पास्ट, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, मैं एक नॉर्मल इंसान बन के बात कर रही हूँ और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विच इज करेक्ट. बट अगर हमें किसी चीज से तकलीफ हो रही होती है ना, तो हम लाख कोशिश करते हैं उसको भूलने की, लेकिन भूलने के वजह से भी हम उसको याद कर लेते हैं, you know? क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हमें इस बात को भूलना है, लेकिन वो भूलना सोच सोच के भी वो याद आती रहती है एक्चुअली. तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है किसी चीज को, अगर आपको कुछ परेशान करे, आपके पास कोई टेक्निक है कि हम उसको कैसे नहीं याद रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही थी. तो मेरा उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन उससे ये था. अब आप मुझे ये बोलोगे कि अच्छा मैं तो इसके साथ बैठी हुई थी या मुझे इसको भूलना था, तो एकदम से वो बात आ गई सामने तो मुझे वो चीज याद आ गई. ऑब्वियसली ऐसा होता है. मैं बिल्कुल एज अ ह्यूमन बीइंग इस चीज के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और ऐसा होता है कि काफी बारी कुछ इंस्टेंसेस मुझे ट्रिगर कर जाते हैं. अच्छा हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. लेकिन आपने वो बोला, आपने वो निकाल दिया, आप उसे लिख लो, अपनी डायरी पे लिख लो, पेपर पे लिखिए, उसको बर्न करके, उसको जला के, उसको फ्लश कर दो. लेकिन आपको वो चीज निकालनी आपको खुद ही पड़ेगी. मैं आपको दो दो तीन तीन घंटे का भी ज्ञान दे दूंगी, मैं आपके अंदर से वो चीज नहीं निकाल सकती. आपको अपने आप को एक माइंडफुलनेस की स्टेट पे लाना होगा और आपको ये बोलना होगा कि मुझे उसको वहीं छोड़ देना है. यू हैव टू लेट इट गो, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेटिंग गो. और ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप एज अ ह्यूमन बीइंग एक दिन में नहीं कर सकते. हो सकता है कुछ को एक साल भी लग जाता है और कुछ लोगों को एक महीने में भी आ जाती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस पे कॉन्शियसली काम करो. That's true. I think you're making sense. मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं. पर इस बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऑडियंसेस को एक गाना सुनना है. आपको लग रहा है ऐसा, एक गाने का ब्रेक लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. बिल्कुल, तो अभी हम सुनेंगे मानसी की पसंद का एक गाना और जल्दी आते हैं वापस. सुनते रहिए, लगे रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें. Yeah.
मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और हम कर रहे हैं मानसी से बातें इन इन्फोमेनियक नेहा शो। सो आज हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं और हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब हमें कोई चीज परेशान करती है तो हमें उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली हमें परेशान ही कर रही है वो बात। लेकिन फिर मैंने मानसी को बोला कि जब हमें वो चीज इतना परेशान कर रही है तो हम उसके बारे में कैसे नहीं सोचेंगे, वो तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता ही रहेगा। तो एक आंसर एक्चुअली मेरे पास खुद के पास भी है जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपको किसी चीज से तकलीफ हो रही है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी चीज आपके पास है आप उसको अपने आउट ऑफ साइट कर दीजिए, आप अपने आंखों के सामने से हटा दीजिए उसको। जैसे कि सपोजिंगली लेट सपोज कोई भी एक ऐसी चीज है, जैसे आपकी कोई जॉब है और वो चली गई है, तो आप उस जॉब से रिलेटेड लोगों से थोड़ा टाइम तक बात करना बंद कर दीजिए ताकि आप उस जोन से बाहर निकले। आप थोड़ा हाय हेलो आप कर सकते हैं बिकॉज दैट वुड बी रूड, बट आप एक यू नो लॉन्ग इंटरेक्शन, अब उस जॉब में क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, बिकॉज फॉर सम रीजन आपको वो अफेक्ट करेगा और आप उसके पेज को या यू नो कुछ चीजों को आप आउट ऑफ द साइट कर दीजिए। आप उसका पेज मत देखिए, आप लिंक्डइन पे उस जॉब के बारे में या उस कंपनी के बारे में बात मत कीजिए। आई थिंक दैट वुड रियली रियली हेल्प अ लॉट। व्हाट डू यू थिंक मानसी? बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि नथिंग इन द लाइफ इज परमानेंट। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज प्रीच। आप अपनी लाइफ में, मैं आपको जितना समझा लूं, नेहा जी आपको जितना बोल ले, आप कितने साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो अपने आप को एक मोटिवेट कर सकता है, बंदा अपना साथ दे सकता है, वो आप खुद ही हैं। आप कितना बड़ा सोशल सर्कल बना लीजिए, आप कितने लोगों के साथ बैठ जाइए, कितने लोगों को अपनी बात सुना लीजिए, अल्टीमेटली आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। नज योरसेल्फ टू अ लेवल जहां पे आप अपने आप का एक कंट्रोल लेके आ सके, अपने आप को मोटिवेट कर सके। क्योंकि मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन हाउ प्रेशियस इज द लाइफ। और लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मनी, सक्सेस, वेल्थ, नेम, इसका मतलब लाइफ है ही नहीं। ये उस लाइफ के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ, आप कोई भी जाके किसी भी सदगुरु को सुनिए, ब्रह्मा कुमारीज को सुनिए, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं लाइफ इज ओनली अ सोल जो हमारे अंदर है, जिसको हैप्पीनेस चाहिए। और हैप्पीनेस एक किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, इट्स अ चॉइस। हम लोगों के पास ये चॉइस होती है कि हम इसको कैसे खुश रखें। और एक सोल को सिर्फ क्या चाहिए, आप उसको खुश रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक यू आर हैप्पी, यू कैन हैप्पीली चेंज इट। और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ना ये भी मान लिया है कि अगर हमें ये चार चीजें मिल जाए, या मुझे ये जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे ये प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन इसका ऑपोजिट सच्चाई है। सच्चाई ये है कि अगर मैं खुश हूं तो मैं ये चार चीजों को भी कॉन्कर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे साथ साथ दे रही है। अगर मैं खुश हूं तो मैं ये चीज भी पा सकता हूं। देखिए एक चीज और है, हमारी लाइफ में ना हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है और बस वही एक नई दिशा होती है, उसी को हमें पकड़ना है। दैट इज आवर रे ऑफ होप। अब जरूरी नहीं है कि वो हर रोज हो सकता है मेरी लाइफ में एक वीक में ऐसी कोई नई सी चीज हो जाए जिससे मैं एक्साइट हो जाऊं, मुझे उसी को पकड़ना है। पहले तो आप ये सोचिए कि वो आपकी लाइफ में ही क्यों ना आए, क्यों आई है और दूसरे की में क्यों नहीं आई, इसके पीछे रीजन है। भगवान आपको ऊपर से सिग्नल दे रहा है कि ये है तेरी रे ऑफ होप, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ और भी बोल रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं बस इतना ही बोल रही थी कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके इंटरनल फैक्टर्स को हिलाएंगे और आपका कंट्रोल आपके इंटरनल फैक्टर्स में है। और आपको ये तक भी याद रखना है कि आपकी सोल इज नॉट प्रोपोर्शनल कि जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करिए, लेकिन आजकल सोसाइटी में यही हो गया है कि वही करना है जो मम्मी पापा ने बोला है या फिर जो सोसाइटी अप्रूव करती है। हमारी आधी लाइफ तो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस खत्म करने में ही चली गई है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल करते चले जाओ और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ चलती रहती है। लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन ये है कि अपने आप के लिए कब जियोगे? व्हेन विल यू स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ? इंडिया में स्पेशली लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और
बहुत सारी फीमेल्स देखा है मैंने जो अपने आप के लिए कभी जी नहीं पाती है. अगर आप उनसे पूछें कि आपने अपने लिए क्या किया है, ये मैंने कहीं कोई सीन भी देखा है टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट टू श्योर कोई मूवी थी या कोई रियलिटी में किसी ने किसी से पूछा, बट मुझे कुछ याद आ रहा है कि अपने लिए तो मैं जीना भूल ही गई. हाँ, स्टार्टिंग में पेरेंट्स की बात सुनती रही, उसके बाद मैं हस्बैंड की बात सुनती रही, जो बचा था वो इन लॉज की बात सुनती रही, और अपने लिए क्या किया वो तो उसके होने बच्चे हुए फिर बच्चों की बात सुनती रही, तो अपनी बात तो सुनी ही नहीं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन एक गाने का ब्रेक तो बनता है. सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के. आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें. निभाया है
हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के और मैं हूँ इन्फोमेनियक नेहा और हम कर रहे हैं मानसी से बातें। सो आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है एपिसोड का मेंटल हेल्थ केयर। तो अभी हम मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे थे और मानसी जी बता रही हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअली जिससे आपकी जो हेल्थ है, अगर आप खुश रहेंगे तो आपका गोल अचीव होगा। अगर आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो आप खुश रहना भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुश हैं तो गोल अपने आप अचीव होगा। वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, आप नींद के पीछे पढ़ाई के पीछे भागो, नींद अपने आप पीछे पीछे आएगी। तो वैसा ही कुछ सीन मुझे लग रहा है। बट मानसी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस के अगर आप जैसे कह रहे हैं, जैसे मैंने खुद भी कहा कि अगर हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं, किसी ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें उसके जो इंस्टेंसेस, जो भी चीजें हमारे पास हैं जो उसे लिंक करती है, हमें वो हटा देनी चाहिए। बट वॉट इफ कोई भी इंसान है, सपोज कोई एक्स वाई जी बंदा है, जैसे किसी बाप बेटे की नहीं बनती आपस में बिल्कुल भी, या किसी माँ बेटे की, या वट एवर, या भाई बहनों में जो भी आजकल जो डोमेस्टिकली झगड़े होते रहते हैं, तो आपके झगड़े भी हो गए हैं और आप उस बंदे के साथ में भी रहते हो, तो आप उस चीज को कैसे कोप अप करोगे? आप खुश कैसे रह सकते हो जब आप रोज उसकी शक्ल देख रहे हो, रोज कोई ना कोई नया, जैसे आजकल कोरोना में डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यही एग्जाम्पल पकड़ूं तो, आप रोज अपने वाइफ से या अपने स्पाउस से आप रोज किसी ना किसी बात पे झगड़ा कर रहे हो, तो आप कैसे खुश रहोगे? आपको उनकी शक्ल भी रोज दिख रही है, आप लड़ाई झगड़े भी रोज कर रहे हो, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनका ये सिचुएशन होगा अभी के टाइम पे। बिल्कुल। और नेहा जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं लिटरली इस पे बात करना चाहती थी। अभी हम लॉकडाउन में है, ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप भी लॉकडाउन में है, आपकी फैमिली इंडिया में है, मेरी फैमिली इंडिया में है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको अपनी फैमिली के पास जाके रहना है, What will be your take on that? I am more than happy to do it. Right? तो आप ये सोचिए, जो हम लोग दूर बैठे हैं, हम लोग बहुत तड़प रहे हैं कि हम किसी तरह उनके पास पहुंच जाए, लेकिन जो फैमिली साथ में है, जिसमें भाई बहन मम्मी पापा सारे साथ में बैठे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। मतलब आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि लोगों को अपना खुद का परिवार नहीं सुहारा, आपस में बैठ के लड़ाइयां हो रही है। जो अगर आप ये देखें कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की बाउंड्रीज, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपस में बैठते थे, दो बातें करते थे, खाना साथ में खाते थे, रात को आके अपनी एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। और तभी तो आपने कभी पहले के जमाने में सुना है लोग हर रोज कहीं नया बंदा सुसाइड कर रहा है, शायद हमने कभी नहीं सुना। ये मेंटल हेल्थ अभी कितना टाइम हुआ इसको आए हुए, 3-4 साल जब से ये अवेयरनेस शुरू हुई है इंडिया में। तो चलो आज भी स्टिग्मा है, लेकिन हमने शायद बचपन में कभी नहीं सुना है कि किसी ने अपनी जान दे दी। Exactly, that is very true. और joint families में आपका थोड़ा सा एक flexibility बढ़ जाती है, आपका थोड़ा adjustment power बढ़ जाता है, जो कि अब nuclear families होने के बाद शायद वो चीज बहुत कम होती चली गई। बिल्कुल। और अभी हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं कहती हूँ मुझे कल opportunity मिल जाए कि मुझे अपने परिवार के साथ जाके रहना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि ये टाइम हम मिस करते आए हैं। हम लोग इतना ज्यादा भागम दौड़ी में लग गए हैं कि सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रात को सो रहे हैं। दो घड़ी बात करने का वक्त किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके अंदर घर तो करेंगी ना, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। और इस वक्त लॉकडाउन में तो ऐसा ही है, लोग बाहर जा नहीं पा रहे, सोशल सर्कल है नहीं, बाहर निकल सकते नहीं, घर में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, अपने आप को स्टोरी टेलिंग करते चले जा रहे हैं। अच्छा कल क्या होगा, मेरी जॉब चली गई तो, मेरी सैलरी नहीं आई तो, इकोनॉमी डूब गई तो, और ऊपर से अच्छा हमें हो गया तो, मेरे परिवार को हो गया तो, आप अपने आप को इतनी स्टोरी टेलिंग क्यों कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है? हाँ मैंने माना ये बिल्कुल जायज है कि ये डर आते हैं, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आपको ये तक नहीं पता है कि आप कल सो के उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्योंकि जिन लोगों की जान जा रही है अभी कोरोना की वजह से, क्या उन्होंने ये सब प्लान किया था? वो अपने आप ही इसको कैच कर रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ठीक है वो झेल पा रहे हैं, नहीं है तो वो जा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ये प्लान किया था? मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कल रहूंगी नहीं रहूंगी, तो मैं पहले आज तो जी लूं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, और आपने एक एक चीज जो बोली है मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बाकी लोग क्या, मैं खुद भी, हम भी यही सोच रहे हैं कि कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे घर वालों को तो नहीं हो जाएगा, हमारा प्लानिंग जो हुई हुई है, जो हमने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है, उसका क्या होगा? बट गाइज, जो चीज मैंने भी बोली वो यही थी कि प्लानिंग
हमेशा सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं है. आज ऑफकोर्स आप परफेक्ट प्लानिंग करते हो, लेकिन अगर प्लानिंग से ज्यादा हमको बैकअप प्लान करना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो ये होगा. और अगर बैकअप भी नहीं है आपके पास, रिस्क दुनिया में कुछ लोग ही ले पाते हैं जो बहुत डेयरिंग होते हैं, तो वो सोच के रिस्क लो कि यार रिस्क लेके देख रहे नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदगी तो रहेगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, एंड बहुत अच्छी बात आपने बोली है हमारा क्या होगा इसका क्या, मतलब ये बहुत क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत कॉमन चल रहे हैं और बहुत लोग देख रहे हैं. और अभी हम संभल भी नहीं पाए थे ये कोरोना और बाकी के डेथ से कि ये सुशांत सिंह जी की डेथ और आ गई. और इनका बारे में सुन के ना मुझे और बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे हम उनको जानते थे, जैसे कि हमारे किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने या किसी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया हो, वैसा फील आ रहा है. और उसके बारे में हम बात भी करेंगे बट एक गाने के ब्रेक के बाद. सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 का लगा के. आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ. सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ. दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. आ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. टिट 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 टिट
मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और हम कर रहे हैं मानसी से बातें इन इन्फोमेनियक नेहा शो. सो हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में. सो मानसी, आप क्या और बताना चाहती है ऑडियंस को जिससे वो पैसिफाई हो और जिससे उनको अच्छा लगे सुन के, उनको खुश होने का. इस टाइम पे इतना स्ट्रेस लेवल हाई है, तो खुश होने का क्या तरीका है, क्या क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है उन लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भगवद गीता हमें एक बहुत अच्छा ज्ञान देती है, जिसमें से कुछ टीचिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग ये है कि हमें कहानियां नहीं बनानी, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करना, जो पास्ट में हो गया उसको वहीं छोड़ दो, प्रेजेंट में जीते. हमें बस फ्यूचर का आलिंगन करना है पेशेंस और करेज के साथ. वेलकम व्हाट्स कमिंग विद ऑल योर पेशेंस एंड करेज एंड दैट्स द की टू सक्सेस. उसे अच्छा बनाना है, हमारा गोल यही होना चाहिए, यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इसको हमें नीचे नहीं बिखरने देना. हमें ऐसा कोई डर नहीं बनाना कि अच्छा अब क्या होगा. हमें सिर्फ पेशेंटली इसका इंतजार करना है, जो आएगा उसको देख लेंगे. जिस दिन जिसने ये अप्रोच बना ली वो बंदा आधी लाइफ तो तभी जीत जाएगा. हमें गिव अप नहीं करना है, जो भी होगा अच्छा बना लेंगे. इतनी क्षमता और हिम्मत हम लोगों में होनी चाहिए. कल क्या होगा इसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. बिल्कुल, इससे किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी लाइफ आजकल एक छोटे बच्चे की लाइफ तक अनप्रेडिक्टेबल है, तो बूढ़ों का या बड़ों का तो बिल्कुल ही छोड़ दो. उससे आप डर बनाते हैं. बस अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, इस पल को, इस क्षण को आप देखिए. इतना एंजॉय करिए कि आपको ये स्ट्रेस का कोई कुछ ना मिले. डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को. जस्ट मेक श्योर दैट यू नो व्हाट, लाइफ जस्ट टेक्स लेस देन अ सेकंड टू फ्लिप फ्लॉप. एकदम से सब पलट जाता है. कुछ भी हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चल सकते. और प्लीज लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कीजिए कि अच्छा हम कल कर लेंगे, कल ये नहीं होगा तो हमारे पास ये नहीं होगा. पहले आज देखिए, आज जी लीजिए, फिर कल रिग्रेट करना. उसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है. आपको मरना ही है ना, आप जिंदगी को लड़के मरिए. लोग आपको वॉरियर कहेंगे, फाइटर कहेंगे, जैसे हम सोल्जर्स को कहते हैं या आर्मी लोगों को कहते हैं. जो ऐसे ही मर जाते हैं वो अपने आप. और एक चीज, हाँ, मैं ये सबको मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ. स्पिरिचुअलिटी में ये कहते हैं, अगर आप अपने आप को कष्ट देके, अपनी सोल को कष्ट देके, जैसे सुसाइड करके या टॉर्चर करके आप अपने आप को रख रहे हो, आप ये मत सोचिएगा कि आप जब नया जन्म लोगे तो ये सब चीजें नहीं आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगी. आपने भी शायद स्नेहा जी कभी सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म का कोई कर्जा होगा इसलिए हमारे पैसे डूब गए, या हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा तभी हमें आज इस जन्म में ये देखने को मिल रहा है. तो ये बहुत कॉमन सेइंग्स नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस इन्वॉल्व है. कि जब आपको अपना सारा किया धरा यहीं पे ही खत्म करके जाना होता है, और अगर आपका कुछ भी ऐसा है जो नहीं खत्म हुआ है और आप उससे पहले जा रहे हैं, तो आपके साथ वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा. एंड दैट्स हाउ इट इज, लाइफ विल ब्लो एंड वी विल डिसअपीयर. ऐसी लाइफ हो चुकी है. तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रेस्ड है और बहुत परेशान है, उसको लग रहा है दरवाजे बंद हो गए हैं. बट अगर वो जा रहा है तो मतलब उसका जो स्ट्रेस लेवल जो इस जन्म में खत्म होना था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. मतलब टेक्निकली देखा जाए तो मतलब आपने अपना ये जन्म तो बिगाड़ा, आपने अगला भी बिगाड़ दिया. बिल्कुल. सो दैट इज रियली स्केरी. ये तो बहुत डरावनी बात है, जो कि आपको जरूर सोच लीजिए. आप सुसाइड करने वाले हो बिल्कुल सावधान हो जाओ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पीछा करेंगे आप. आप, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, आत्मा और सोल सेम रहती है, सिर्फ आपका रूप बदलता है. आपका बेसिकली कहते हैं ना कि हम कपड़े बदल सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी तो नहीं बदल सकते ना. तो ये जन्म के लिए भी होता है. और ये मैंने आज से कुछ साल पहले सीखा था, जब सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, सबकी लाइफ में डिप्रेशन आता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते. जब मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा था किसी की सिचुएशन को देख के, उन्होंने मुझे सिखाया था, अपने आप को मार के तुम आगे के सारे जन्म मार रहे हो. और जो स्पिरिचुअलिटी में लोग इन्वॉल्व होंगे ना, अच्छा पहली चीज तो अब ये टाइम आ गया है, प्लीज और प्लीज हम लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं. मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा. डिप्रेशन जैसी कोई चीज आपको नॉक तक नहीं करेगी.
मत देखो बाहर बाहर लोग क्या कर रहे हैं, मत देखो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, जो है उसको काउंट करो। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बल्कि आज नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे के जाती हूँ। जब भी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, तब मैं आप लोगों से, या आप अगर कोशिश कर पाए तो जो इनका चैनल है रेडियो मनपसंद का चैनल, उसमें आप भेजिएगा कि आप किस चीज को लेके ब्लेस फील करते हो। आप उसको सिर्फ 21 डेज मेरे कहने से लिखिए, 22nd डे आप अपने आप उसमें चार चीजें और ऐड कर रहे होंगे, एंड दैट्स अ गारंटीड प्रैक्टिस। बस हमें इतना करना है कि हमें अपनी गिल्ट, जस्ट रिलीज योर गिल्ट, रिलीज योर फियर, एंशियसनेस विल ऑटोमेटिकली एंड कंप्लीटली डिसअपियर। इस वक्त ये मेरा मंत्र है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मंत्र है और इसको हम सब ने सुना है और इसको हम सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए और उसके ऊपर ही चलना चाहिए। अब हम पहुंच गए अपने फाइनल सेगमेंट में, तो अपने फाइनल सेगमेंट के लिए हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे। सो कहीं मत जाइए दोस्तों, बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो है जीवन,
जीवन है तो है भगवन भगवान के संग समय करो सफल जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल जैसा सोचोगे तुम बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा और हम कर रहे हैं मानसी से बातें आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे और काफी अच्छी अच्छी बातें हुई आई थिंक मुझे भी अपनी एनर्जी जरा बहुत ऊपर लग रही है ये सब अच्छी बातें जब होती है ना तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी स्ट्रेस है आप हमसे बात करिए हमारे दरवाजे खुले हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ऑन माइक ऑफ द माइक किसी भी तरीके से आप कोई भी बात करना चाहते हैं हम खड़े हुए हैं और आपकी बातें सुनने को तैयार हैं बिना जज किए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आपने किसी का खून भी किया हो हाँ लेकिन जो खून आपने किया होगा वो हम पुलिस में नहीं देंगे एक्चुअली लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस इज जस्ट स्टाइल ऑफ सेइंग कि आप लोगों ने कितना ही बड़ा गुनाह किया हो अगर आपको किसी से बात करनी है तो कीजिए ना हम आपको एडवाइस अच्छी देंगे सो आई थिंक मानसी वुड लाइक टू कंक्लूड फर्दर वो कुछ फाइनल वर्ड्स जो बोलना चाहेंगी वो आप बोल सकती हैं मानसी सो जस्ट टू कंक्लूड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस टुडे इस इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने से पहले आप प्लीज बात करिए दरवाजे खटखटाइए आस्क फॉर हेल्प आई एम श्योर लोग सुनेंगे और हम जो लोग हैं जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं लेट्स जस्ट स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल मोर कंसिडरेट हम और अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं लोगों को ताकि उनको पॉजिटिविटी मिले उनको खुश रखते हैं 10 कदम और आगे बढ़ा लेते हैं पहले हम कहते थे ना तुम एक कदम बढ़ाओ हम 10 बढ़ाएंगे हम ही वो 10 भी बढ़ा लेते हैं हम ही वो एक ही बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स बन जाते हैं एक तो एक दूसरे के ऊपर चेक रखना शुरू करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स कि तू कैसा है कैसा नहीं है सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं लोगों को एटलीस्ट ये रहेगा कि हम साथ हैं तो मैं बस जाते जाते इतना ही कहना चाहती हूँ आज अगर मैं किसी की भी हेल्प कर सकूं इस मेंटल प्रेशर से निकलने के लिए आप नेहा जी के थ्रू इस चैनल के थ्रू प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करिए ये स्टेप्स मत लीजिए हम लोगों में से कोई आपको जज नहीं करने वाला हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे हम आपको पूरा हेल्प करेंगे एंड मैं इस गारंटी के साथ जा रही हूँ कि अगर किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया इस चैनल के थ्रू आई एम गिविंग 100% गारंटी कि मैं उस बंदे को वापस पॉजिटिविटी में लेकर आऊंगी 100% गारंटी मिल रही है दोस्तों तो देर किस बात की है बस फोन उठाइए और हमें लगाइए या हमें मैसेज कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे जाइए हमारी ऐप पे जाइए वहां लेफ्ट साइड पे फीडबैक का ऑप्शन है या फिर हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com.au और हम आपके पास आपके सुझाव हमारे सुझाव आपके लिए और बातों सुनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं एंड मानसी जी विल ऑल्सो लिसन टू यू एंड शी विल कम आउट विद अ ब्रिलियंट सोल्यूशन एंड आई एम टू श्योर अबाउट इट सो
अगर आपको ये सब सुनने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज रीच आउट इससे पहले कि आप कोई बहुत गलत कदम उठा लो। प्लीज प्लीज एक बार अपनी बात रखो सामने, ताकि आपको कल को लाइफ में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कभी किसी से बात नहीं की या किसी ने कभी मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि हम लोग आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज आइए। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और मुझे तो बहुत बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। आई एम श्योर मानसी यू आर फीलिंग द सेम एंड यू आर ऑलरेडी अ वेरी हाई एनर्जेटिक पर्सन, तो बहुत एनर्जी है आप में, बहुत बहुत अच्छा वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिविटी है जो कि आई एम श्योर लिसनर्स को भी फील हो रही होगी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड अब हम जा रहे हैं आपको आखिरी गाने के साथ छोड़ के जा रहे हैं मानसी जी के पसंद के, सो प्लीज सुनिए और हम वापस आने का वादा करके जा रहे हैं, सो फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच यस मानसी, आप थैंक यू बोलना चाहेंगी उनको? हाँ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, पॉजिटिविटी बनाए रखें, मेडिटेट करें और अपने आप पे विश्वास रखें। ऑलराइट, सुनते रहिए रेडियो 1% 24/7 तड़का लगा के, और आप सुन रहे थे नेहा और मानसी की बातें। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से, ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा।
कभी ऐसा होता था नहीं. Hey Australia, this is Rihanna D. Cruz and you're listening to Radio Manpasand. इस दिल का क्या करूं मैं.